हेलो गाइस, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि में। फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड मॉक टेस्ट का नवा पार्ट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 8 पार्ट जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ क्लिक करके उन 8ों वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इन वीडियो में उत्तराखंड जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे के बटन को भी दबा लें। फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, राज्य के गठन के बाद प्रथम महिला सांसद कौन बनी? ठीक है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि राज्य के गठन के बाद, ठीक है, राज्य गठन के बाद प्रथम महिला सांसद कौन कौन बनी? ए कमलेंदु मति साहा, बी माला राज्य लक्ष्मी साहा, सी मनोरमा शर्मा डोबरियाल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राज्य गठन के बाद जो प्रथम महिला सांसद बनी थी वो बनी थी माला राज्य लक्ष्मी साहा। कौन बनी थी? माला राज्य लक्ष्मी साहा। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें राज्य के संसदीय इतिहास में जो प्रथम महिला सांसद थी वो कौन थी? कमलेंदु मति साहा। कौन थी? कमलेंदु मति साहा। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1952 से 1957 में। ठीक है फ्रेंड, ये टिहरी से बनी थी। कहाँ से बनी थी? टिहरी से। और माला राज्य लक्ष्मी जो बनी थी ये बनी थी 2014 में, ये भी टिहरी से ही बनी थी। ठीक है फ्रेंड, तो पहला पूछता कि उत्तराखंड की जो पहली प्रथम महिला सांसद हैं, ठीक है, वो कौन है? कमलेंदु मति साहा। और राज्य गठन के बाद की बात करता है तो कौन है? माला राज्य लक्ष्मी साहा। ठीक है, 2014 टीरी से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड में द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? ए रस्किन बॉन्ड को, बी मंगलेश डबराल को, सी लीलाधर जकूड़ी को, या डी सुधामा प्रसाद प्रेमी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड में जो द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वो मिला था लीलाधर जकूड़ी को। किसको मिला था? लीलाधर जकूड़ी को। पहला जो मिला था वो रस्किन बॉन्ड को मिला था। किसको मिला था फ्रेंड्स? पहला रस्किन बॉन्ड को। कब मिला था इनको ये? 1992 में। कब मिला था इनको ये? 1992 में। बात करें मंगलेश डबराल की, तो इनको जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार वो मिला था 2000 में। कब मिला था? 2000 में। बात करें सुदामा प्रसाद प्रेमी को, तो इनको मिला था ये 2010 में। कब मिला था फ्रेंड्स इनको ये? 2010 में। चलिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ए प्रेमलाल भट्ट को, बी बीरेन डंगवाल को, सी मथुरा प्रसाद मठवाल को, या डी चारूचंद पांडे को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मिला था प्रेमलाल भट्ट को। किसको मिला था? प्रेमलाल भट्ट को। ठीक है फ्रेंड्स, ये मिला था इनको 2010 में। ठीक है फ्रेंड्स, कब मिला था इनको ये? 2010 में। ये इनको उस समय दो लोगों को मिला था, ठीक है, प्रेमलाल भट्ट को, और दूसरे थे सुदामा प्रसाद प्रेमी। कौन थे? सुदामा प्रसाद प्रेमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेमलाल भट्ट और सुदामा प्रसाद प्रेमी को 2010 में प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को CCI ग्रीन अवार्ड मिला? ए डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी, बी गोरा देवी, सी चंडी प्रसाद भट्ट, या डी हर्षवंती बिष्ट को। तो फ्रेंड्स, CCI ग्रीन अवार्ड जो मिला था वो मिला था डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को। ये अवार्ड जो मिला था इनको, ये मिला था 2010 में। कब मिला था? 2010 में। चलिए अगला देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला? ए प्रकाश पंत को, बी प्रीतम सिंह को, सी जोत सिंह गुनसोल को, या डी अमृता रावत को। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला जो मिला था प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार वो मिला था प्रकाश पंत को। किसको मिला था? प्रकाश पंत को। ये अवार्ड जो मिला था इनको 2008 में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स,
ये पहले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार पाने वाले। दूसरे थे प्रीतम सिंह, ठीक है, इनको मिला था 2009 में। जोश सिंह गुनसोल की बात करें तो इनको मिला था फ्रेंड्स 2010 में। अमृता रावत की बात करें तो इनको मिला था 2011 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को गांधी शांति पुरस्कार 2013 मिला? ए इंदिरा हृदय को, बी मदन कौशिक को, सी चंडी प्रसाद भट्ट को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स गांधी शांति पुरस्कार 2013 जो मिला था वो मिला था चंडी प्रसाद भट्ट को। किसको मिला था? चंडी प्रसाद भट्ट को। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भू विज्ञान के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला? ए छत्रपति जोशी, बी खड़क सिंह बल्दिया, सी श्री कृष्ण जोशी, या डी अवधेश कौशल को। तो फ्रेंड्स भू विज्ञान के क्षेत्र में जो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था वो मिला था खड़क सिंह बल्दिया को। किसको मिला था? खड़क सिंह बल्दिया को। ये मिला था इनको 2015 में। कब मिला था इनको फ्रेंड्स? ये 2015 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार मिला? ए गोविंद बल्लभ आचार्य को, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी चंडी प्रसाद भट्ट को, या डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा जो सही आंसर है वो है डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत रत्न जो पुरस्कार मिला था उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति, तो वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कब मिला था इनको फ्रेंड्स? ये 1957 में, 1957 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को ब्रेल लिपि में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला? ए डॉक्टर घनानंद पांडे, बी कुंवर सिंह नेगी, सी भैरव दत्त पांडे, या डी आदित्य नारायण। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रेल लिपि में जो पद्म विभूषण मिला था वो मिला था कुंवर सिंह नेगी को। किसको मिला था? कुंवर सिंह नेगी को। ये जो अवार्ड मिला था इनको पद्म विभूषण ब्रेल लिपि में, ये मिला था उनको 1990 में। कब मिला था फ्रेंड्स इनको? ये 1990 में। पहला जो मिला था उत्तराखंड में, जो पहला पद्म विभूषण मिला था वो डॉक्टर घनानंद पांडे को मिला था। किसको मिला था? डॉक्टर घनानंद पांडे को। इनको ये विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? विज्ञान के क्षेत्र में, 1969 में। चलिए फ्रेंड्स दसवां क्वेश्चन देख लेते हैं। दसवां क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो ए ऑप्शन है हमारा श्रीमती गौरापंत शिवानी, बी ऑप्शन है डॉक्टर श्याम सिंह शशि, सी ऑप्शन है डॉक्टर सतीश चंद्र काला, या डी ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड को। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो साहित्य के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार मिला था वो मिला था श्रीमती गौरापंत को। ठीक है, श्रीमती गौरापंत को, जिन्हें हम शिवानी भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रस्किन बॉन्ड को जो मिला था पद्मश्री वो 1999 में मिला था। कब मिला था? 1999 में। चलिए फ्रेंड्स ग्यारहवा क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्यारहवा क्वेश्चन है, मधुमिता बिष्ट को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो फ्रेंड्स मधुमिता बिष्ट को पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था वो मिला था 2006 में। कब मिला था? 2006 में। फ्रेंड्स मधुमिता बिष्ट जो हैं, याद रखेंगे आप, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, कौन है ये? बैडमिंटन खिलाड़ी। पूछ लेता है कभी कभी कि मधुमिता बिष्ट जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से। चलिए फ्रेंड्स बारहवां क्वेश्चन देख लेते हैं। बारहवां क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया? ए 2009 में, बी 2010 में, सी 2011 में, या डी 2013 में। तो फ्रेंड्स अभिनव बिंद्रा को पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था वो मिला था 2009 में। कब मिला था? 2009 में। अभिनव बिंद्रा तो आपको याद ही होंगे, ये निशानेबाज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक शूटर रही है। चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है, लवराज सिंह धर्मसक्तू को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से
नवाजा गया, ए 2009 में, बी 2011 में, सी 2013 में, या डी 2014 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो लवराज सिंह धर्मसत्तू को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था वो मिला था 2014 में। कब मिला था? 2014 में। फ्रेंड्स, लवराज सिंह धर्मसत्तू जो हैं ये एक पर्वतारोही हैं। कौन है ये? एक पर्वतारोही, पर्वतारोही। चलिए फ्रेंड्स, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार मिला? ए मृणाल पांडे, बी पुष्पेश पंत, सी रस्किन बॉन्ड, या डी लीलाधर जकूड़ी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रथम पद्मश्री पुरस्कार मिला था वो मिला था मृणाल पांडे को। किसको मिला था? मृणाल पांडे को। ये मिला था इनको 2005 में। कब मिला था? 2005 में। दूसरा जो मिला था, ठीक है फ्रेंड्स, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो द्वितीय पद्मश्री पुरस्कार मिला था वो मिला था पुष्पेश पंत को। किसको मिला था? पत्रकारिता के क्षेत्र में पुष्पेश पंत को। ये मिला था इनको 2016 में। कब मिला था इनको? 2016 में। चलिए फ्रेंड्स, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। 15वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया। तो ए ऑप्शन है भवानी दत्त जोशी, बी ऑप्शन है मातवर सिंह नेगी, सी ऑप्शन है रणवीर सिंह, या डी ऑप्शन है मोहन चंद शर्मा मासीवाल को। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अशोक चक्र मिला था, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जिन्हें अशोक चक्र से नवाजा गया था वो कौन थे? हमारे भवानी दत्त जोशी। कौन थे वो? भवानी दत्त जोशी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है, चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष रैमन मैक्सेस पुरस्कार मिला? ठीक है फ्रेंड्स, चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष रैमन मैक्सेस पुरस्कार मिला? ए 1980 में, बी ऑप्शन है 1981 में, सी ऑप्शन है 1982 में, या डी ऑप्शन है 1983 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 16 का जो हमारा सही आंसर है वो है 1982 में। ठीक है फ्रेंड्स, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन पुरस्कार जो मिला था 1982 में मिला था। कब मिला था फ्रेंड्स? 1982 में। बात करें द्वितीय जो मिला है वो मिला है दीप जोशी को। किसको मिला है? दीप जोशी को। दीप जोशी को कब मिला था फ्रेंड्स? 2009 में। कब मिला था? 2009 में। चलिए फ्रेंड्स, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, जसपाल राणा को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? ए 1981, बी 1986, सी 1994, या डी 1996 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हमारा सही आंसर है 1994 में जसपाल राणा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, हंसा मनराल को किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया? ए 2000 में, बी 2001 में, सी 2002 में, या डी 2009 में। तो फ्रेंड्स, हंसा मनराल को जो द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो मिला था 2001 में। कब मिला था? 2001 में। फ्रेंड्स, हंसा मनराल जो हैं वो भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। चलिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारा, अभिनव बिंद्रा को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? ए 2002 में, बी 2003 में, सी 2004 में, या डी 2005 में। तो फ्रेंड्स, अभिनव बिंद्रा को जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था वो 2002 में मिला था। कब मिला था फ्रेंड्स? 2002 में। चलिए फ्रेंड्स, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, परिमार्जन रेगी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार मिला? ए 2009 में, बी 2010 में, सी 2011 में, या डी 2012 में। तो फ्रेंड्स, परिमार्जन नेगी को जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो मिला था 2010 में। कब मिला था? 2010 में। फ्रेंड्स, परिमार्जन नेगी जो है वो शतरंज से संबंधित है, याद रहेंगे ये क्वेश्चन काफ़ी आता। ये किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज यानी चेस। चलिए फ्रेंड्स, 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वां क्वेश्चन है,
जसपाल राणा को किस वर्ष उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला? ए 2012 में, बी 2013 में, सी 2014 में, या डी 2015 में? तो फ्रेंड, जसपाल राणा को जो उत्तराखंड खेल रत्न मिला था वो मिला था 2013 में। कब मिला था? 2013 में। चलिए फ्रेंड्स, 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस वर्ष देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार रखा गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो ए ऑप्शन है 2013 में, बी ऑप्शन है 2014 में, सी ऑप्शन है 2015 में, या डी ऑप्शन है 2016 में? तो फ्रेंड, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार का जो नाम बदलकर देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार रखा गया था वो रखा गया था 2015 में। कब रखा गया था? 2015 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2015 में जो देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला था वो स्वर्गीय राम बहादुर छेत्री को मिला था। किसको मिला था? स्वर्गीय राम बहादुर छेत्री को। ठीक है फ्रेंड्स, ये फुटबॉल से संबंधित है, ये एक फुटबॉलर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार जो रखा गया था वो रखा गया था 2015 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस वर्ष खेल नीति की घोषणा की गई? ए 16 जनवरी 2003 को, बी ऑप्शन 16 जनवरी 2004 को, सी ऑप्शन 16 जनवरी 2005 को, या डी ऑप्शन 16 जनवरी 2006 को? तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड में खेल नीति की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 16 जनवरी 2006 को। कब की गई थी? 16 जनवरी 2006 को। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को चाइना बॉल के बॉल नाम से जाना जाता है? ए राम बहादुर छेत्री को, बी हरि सिंह थापा को, सी हरिदत्त कापड़ी को, या डी इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, चाइना बॉल नाम से जो जाना जाता है वो राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? राम बहादुर छेत्री को। ये एक फुटबॉलर थे। कौन थे फ्रेंड्स? ये एक फुटबॉलर। चलिए फ्रेंड्स, आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को आयरन बॉल ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता है? ए जसपाल राणा को, बी त्रिलोक सिंह बसेड़ा को, सी नारायण सिंह राणा को, या डी पदम बहादुर मल्ल को? ठीक है फ्रेंड्स, तो आयरन बॉल ऑफ इंडिया नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। किसको जाना जाता है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एक फुटबॉलर थे। कौन थे ये? फुटबॉलर। तो फ्रेंड्स, ये थे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।